नमस्कार दोस्तों गुड मॉर्निंग फ्रॉम जापान और आज के वीडियो में बहुत ही कम बोलूँगा ज़्यादा ख़त्म जल्दी करने की कोशिश करूँगा स्कोप के लिए मैं जो बोलने के वाला था मैंने प्रॉमिस किया था कि सैरीज ही लेके आऊँगा लेकिन वो हो नहीं पाएगा फिलहाल लेकिन मैं यहाँ पे बता देता हूँ अगर आपको जापान के स्कोप के बारे में जानना है ना तो कुछ वेबसाइट है जो मैं यहाँ पर लिस्ट कर दूँगा वहाँ पर जाइए आपको जॉब हॉन्ट के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा प्लस ये वो साइड जो मैं यहाँ पे नाम लिख दूंगा जो मैं भूल गया अभी वहाँ पे आपका स्कोप क्या है है ना किस फील्ड में क्या है किस फील्ड में कितना कमाई है या फिर कितना अच्छा है कितना बुरा है वो सब लिखा गया है प्लस जो भी भारतीय नागरिक है जो भी बांग्लादेश के पाकिस्तान के उनके लिए बता दू कि आपके कंट्री से फार बेटर है जापान इसलिए आपको इतना रिसर्च करने की जरूरत भी नहीं है हाँ जापान से भी बेटर कंट्री होंगी लेकिन अगर आपको लगता है कि जपान ही आना है आपको अगर आप श्योर हैं जापान में आना है तो करियर ऑप्शन अच्छा है ऐसा नहीं है कि जापान <laughs> हम तो थर्ड इकोनॉमी लार्जेस्ट लार्जेस्ट इकोनॉमी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है जापान से बेहतर हो गया आप नहीं जापान चाइना से भी बेहतर है जापान इनफैक्ट अमेरिका से भी बेहतर है यूएस से भी बेहतर है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेफ्टी और लाइफ स्टाइल क्लिनिनेस बहुत सारे चीज़ों में जापान सब कंट्री से आ गए ये मेरा लास्ट वीडियो है आज यहाँ पे मैंने इससे पहले जो वीडियो डाला था थोड़ा सा अच्छा करने की कोशिश की थी या फिर ऐसा बोलों कि कुछ अलग करने की कोशिश की थी वो ज़्यादा लोगों को पसंद नहीं आया ज़्यादा लोग मेरे को कमेंट में अच्छी बात बोल नहीं रहे थे या फिर उससे भी पहले उससे भी पहले की जो वीडियो थी उसमें ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था मेरे को और कमेंट में बहुत ही गंदी बात बोल रहे थे हिंदी में तो मेरे को ये अच्छा नहीं लगा मैं जब शुरुआत किया था तब मैं आपको पता होगा मैं नेपाली ब्लॉग भी बनाता था क्योंकि आई नो नेपाली प्रिटी वेल well, और मैं हिंदी भी थोड़ा सा बनाता था लेकिन मेरे दोस्त थे कुछ निखिल था मेरा भाई और आपको पता होगा मिग बिग मार्बल फैन मेरे भाई आशीष हो गया कोई कोलकाता से था कोई यहाँ से था कोई वहाँ से था कोई मुंबई से था सब बोलने लगे कि अरे भाई ये नेपाली से सेपाली ब्लॉग छोड़ दे और हिंदी में ब्लॉग बना हमें तेरा अच्छा लगता है ये ब्लॉग अच्छा लगता है या फिर इन्फॉर्मेटिव बातें जो बताता है वो अच्छा लगता है तो मैंने सोचा कि अरे यार मेरे भाई लोग तो देख रहे हैं तो मैं इन लोगों के लिए ही कराता हूँ ठीक है तो मैं सिर्फ 20-30 लोगों के लिए शुरुआत किया था वीडियो बनाना आजकल दो uh, 300 देख लेते हैं ठीक है अच्छा है मेरे को भी खुशी मिलती है लेकिन उनको लगता है कि मैं बकवास करता हूँ यहाँ पे आके क्योंकि मैं रॉ बात करता हूँ मैं यहाँ पे एडिट ज़्यादा बनाकर आपके अटेंशन ग्रैप नहीं करते हैं यहाँ पर ग्रैप करने की मेरी मेरे वास्ट टाइम लेने की कोई भी इंटेंसन कभी रही ही नहीं है आपसे कि लास्ट में अगर आप देखेंगे तो मैं ये बताऊंगा ऐसा मैंने कभी नहीं बोला मैंने जो मेरे को ज... आ, पता है ना वो बात मैंने फैक्चुअल बताई है और टाइम वेस्ट ना करते हुए बताइए और जो भी मेरे को पता है वो मैंने जितना लंबा बोल सकता हूँ उतना मैंने बोला है लेकिन फिर फिर भी कोई नहीं अगर लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है तो ठीक है मैं बुरा हूँ मैं मान लेता हूँ और मैं ये डिसाइड कर रहा हूँ कि अब से हिंदी वीडियो बनाना ही बंद कर दूँगा और मेरे को तो बेशक नेपाली भी आती है इंग्लिश भी आती है अब नेपाली में बनाऊँगा या फिर इंग्लिश में बनाऊँगा वो तो अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है फिर भी देखता हूँ मेरा ज़्यादा प्रीफर तो मैं नेपाली में ही करूँगा क्योंकि मेरा नेपाली बेटर है तो यही यहीं से हमारी जर्नी ख़त्म होती है और आज तक जो भी प्यार मिला है वो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और लास्ट में एक गुजारिश करना चाहता हूँ प्लीज़ चैनल को अनसब्सक्राइब करके जाइएगा यहाँ तक जो भी देखा है अगर आपको बहुत ही अच्छा लगा ये वीडियो या फिर आ, 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 आज तक आपको पसंद आया है मेरा कंटेंट तो थैंक यू सो मच और इस वीडियो में जितना हो सके उतना अनसब्सक्राइब करके जाइएगा क्योंकि आपसे यहाँ पे आपके लिए कंटेंट नहीं होगा हिंदी में कोई भी कंटेंट नहीं होगा इसलिए थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग आ, और आपका जिंदगी बहुत अच्छा हो आपका जो भी एम है आपका जो गोल है जापान आने का या फिर किसी भी और कंट्री में जाने का वो सक्सेस हो ये मैं शुभकामनाएं देता हूँ आपको और विदा चाहता हूँ आपके मेरे बारे में कुछ बुरा लगता था आपको तो अब अब खुश हो जाइए थैंक यू सो मचराज सिंह राधे राधे बाय बाय